this video I will teach you how to do unseen passage. So unseen passage carry lot of marks in your question paper. बहुत ही scoring होता है. It is scoring why? Because आपको कोई ऐसा paragraph दिया गया है जो आपको बस read करना है randomly और फिर उसके ऊपर आपके question answers हैं. तो you can just see the question answers. You don't have to learn it. You have to do nothing. But you have to understand it. This is checking your understanding ability. So it is very, very, very important to practice it, to do it very carefully. Okay, so I'll tell you some strategies, then what are unseen passages. Okay, so let's start. So unseen passages, also known as reading comprehension, is the ability to read and understand its meaning. The ability of an individual to comprehend text is influenced by their skills and their trait, one of which is their ability to make inferences. If the recognition of the word is difficult, students make use of most of their processing capacity to read the individual word, which interfere with their ability to comprehend what they read. Okay, so जो कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एग्ज़ाम्स में एक क्वेश्चन पेपर में इसलिए आती हैं क्योंकि वो आपकी रीडिंग एबिलिटी, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी, वो चेक करना होता है उन्हें. तो इसको चेक करने के लिए वो आपको अनसीन पैसेजेस देते हैं. सो इसमें स्टूडेंट को क्या करना होता है, उसको वही जो पैराग्राफ है, अनसीन पैसेज मतलब ये होता है जो आपने कभी देखा ना हो वो पैसेज. तो जैसे जब हम लोग स्कूल में नए चैप्टर्स और नए पोएम्स पढ़ते हैं, तो फर्स्ट टाइम जब हम पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए अनसीन ही होती हैं. तो दे कैन ऑल्सो बी नोन एज अनसीन पैसेजेस. सो उस टाइम पे हमने फर्स्ट टाइम रीड करके कितना कॉम्प्रीहेंड किया, कितना हमारे अंदर वो चीज़ हमने समझी, उस चीज़ की कैपेसिटी को, कैपेबिलिटी को इट चेक्स. Okay, so what a student have to do? The student have to make some inferences. He has to predict the passage, that what does it means, and do the question answers accordingly. There are several approaches to improve reading comprehension, which include improving one's vocabulary and reading strategies. So सबसे important चीज़ जो improve करने के लिए, score करने के लिए जो है कॉम्प्रीहेंशन में, वो है वोकैबलरी. तो अपनी आपकी वोकैबलरी, वर्ड्स की यूसेज, वर्ड्स की मीनिंग सबको आने चाहिए. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द अदर सेकेंड थिंग इज़ रीडिंग स्ट्रैटेजी, कि हमें उसको रीड कैसे करना है. कि ये हमारी बहुत बड़ी मिथ होती है कि अगर हम फर्स्ट पैराग्राफ रीड करेंगे एंड लास्ट पैराग्राफ रीड करेंगे देन वी कैन अंडरस्टैंड द होल पैसेज. एंड दिस इज़ नॉट करेक्ट, दिस इज़ नॉट द राइट अप्रोच. यू हैव टू रीड द पैसेज वंस एंड ट्वाइस. वंस यू हैव टू रीड इट वेरी फास्ट एंड सेकेंड टाइम यू हैव टू रीड इट, अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स, अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स दैट यू फील दैट दे कैन बी यूज इन योर आंसर्स. एंड दिस इज़ द राइट अप्रोच. ओके, सो लेट सम सी सम स्ट्रैटेजीज. रीडिंग द टेक्स्ट इंक्लूड्स गुड ग्रास्प, फ्लुएंसी एंड वोकैबलरी इन इंग्लिश लैंग्वेज. प्रोसेसिंग ऑफ टेक्स्ट इन्वॉल्व्स द प्रायर नॉलेज ऑफ द टॉपिक एंड अंडरलाइनिंग इम्पॉर्टेंट points and our ability to correlate with what you are reading. Finding out where the passage is coherent with your knowledge and making a note of the points where the passage conflicts with your knowledge. This means that जो आपकी पहले की knowledge है, बहुत बार होता है कि जो आपके unseen passages आते हैं वो facts पर related होते हैं, किसी historic इवेंट पर अगर आ गया, लाइक नेशनलिज्म इन इंडिया, तो आपको ये चीज़ पहले से पता है कि नेशनलिज्म इन इंडिया में क्या हुआ था, हाउ गांधी प्लेड अ रोल. और अगर इसी चीज़ के बारे में आपकी कॉम्प्रीहेंशन आ गई तो वहाँ पर आपकी नॉलेज और जो पैसेज में लिखा है वो दोनों कॉन्फ्लिक्ट करती हैं. सो वॉट यू हैव टू चूज इन बिटवीन योर नॉलेज एंड वॉट इज़ रिटन इन पैसेज, you have to choose what is written in the passage. That means कि जो question answers you will attempt वो सिर्फ उन्हीं facts पर based होंगे जो passage में लिखा है, not जो आपके पास knowledge है. Okay, second is understanding the meaning involves decoding the passage.
thinking about the message of the new text and what you need. It also includes the visualizing of the message conveyed and the ability to summarize the passage. So, बहुत बार there are many times एक question आता है unseen passages में कि आपको पूरे passage की summary लिखनी होती है. So, इसके लिए the very important thing is to understand the passage, to decode the meaning of the passage. And that can be only done when your vocabulary is very good and when you will read it twice or thrice. Okay, so what I suggest is you have to read it once, then twice, and then thrice if possible. Then you have to see the meaning and hamesha jo agar summary likhenge hum log wo summary ke jo words honge wo apne honge jo aapne samjha, what you have understood. Neither we will copy the whole passage. Isse kya hota hai ki copy karne mein पैसेज तो बहुत बड़ा होता है, हम पूरा पैसेज तो कॉपी नहीं कर सकते, हमें समरी लिखनी है ईदर ऑफ 100 और 150 वर्ड्स, तो इससे बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो मिस हो जाते हैं. सो इट्स बेटर कि आप उसको पूरा अंडरस्टैंड करो, देन उसके बाद अपना पूरा लिखो. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मैसेज है, जो आपके अनसीन पैसेज में मैसेज है, उसको डिकोड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कभी कभी होता है कि जो मैसेज है वो एक पैराग्राफ में दिया होता है एक्सप्लिसिटली, और कभी कभी ये होता है कि जो मैसेज होता है वो नहीं दिया होता और आपको उसको प्रिडिक्ट करना होता है कि उसमें मैसेज क्या निकला. ओके, सो द बोथ थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. द अदर इज़ द रीडर शुड हैव एन एक्टिव माइंड वाइल रीडिंग. एज आई हैव टोल्ड यू हैव टू रीड इट वेरी केयरफुली. We should know why he is reading the text and should have an idea of the text before reading the text. The reader should be able to correlate the ideas in the text with what he already knows. Okay, so sometimes this also happens ki aapko kuch cheeze usme se kuch facts hote hain jo pata hote hain aur fir usko aapko wahi cheez mil jati hai, to आपको वही दोनों अपनी एबिलिटी यूज़ करने में, जैसे कि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो वोकैबुलरी होती है जो आपको पहले से पता होगी, और अगर आपको वहाँ पे मिल जाएगी तो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, राइट. सो दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. नाउ देर आर फोर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं, ठीक है, फोर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं. लेट्स सी कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. राइट देयर, दैट मीन्स द क्वेश्चंस आर फाउंड राइट इन द टेक्स्ट एंड ask students to find the right answer located in one place as a word or a sentence in the passage. जैसे आता है कि complete the sentence. So जब completion of sentence आता है उसमें right there आपका लिखा होता है, आपको बस वो sentence ढूंढना होता है या फिर किसी word का meaning ढूंढना होता है और आपको बिल्कुल copy करके लिख देना होता है. Okay, so एक ऐसा type का question होता है. दूसरे type का question होता है think and search. So there are the questions based on the facts directly visible in the text. The answers are available in more than one place in the text. The students need to think and search in the entire passage to find out the relevant answer. So कुछ questions ऐसे होते हैं जिनके answers दिए होते हैं but एक place में नहीं होते, होते अलग अलग जगह पर उसके answers दिए होते हैं. So the student have to think कि उसको कैसे हम लोग पूरा एक कंबाइन करके एक आंसर बनाए, और देन यू हैव टू सर्च इट एंड देन राइट डाउन द रेलेवेंट आंसर. ओके, द अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ऑथर एंड यू. दीज क्वेश्चंस रिक्वायर द स्टूडेंट टू नो देयर प्रायर नॉलेज विद व्हाट दे हैव लर्नड फ्रॉम रीडिंग द टेक्स्ट. स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड द टेक्स्ट एंड रिलेटेड टू देयर प्रायर नॉलेज बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन. सो कभी कभी होता है कि जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है और उसमें आपका आंसर होता है, बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको आपकी अपनी जो नॉलेज है, अपने जो फैक्ट्स हैं उससे रिलेट करके लिखने होते हैं. ठीक है, जैसे कि बहुत बार आ सकता है ये क्वेश्चन दैट व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर योर ओपिनियन अबाउट समथिंग, व्हाट आर योर व्यूज़ अबाउट समथिंग. सो जो आपकी नॉलेज है पहले की प्लस जो टेक्स्ट में दिया है वो दोनों मिक्स करके यू हैव टू राइट इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस. एंड द लास्ट इज ऑन योर ओन. द स्टूडेंट आंसर्स दीज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. दीज आर डिफिकल्ट टू आंसर बाय ओनली रीडिंग एंड फाइंडिंग द आंसर इन द टेक्स्ट. सो जो भी आंसर कुछ होते हैं आंसर्स जो
जो डायरेक्टली दिए तो होते हैं पैसेज में, बट आपको ऐसे डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं करना होता है, वो आपको अपने ही लैंग्वेज में करके लिखने होते हैं. ओके, सो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट कम. लेट्स डू वन एग्जांपल आल्सो. सो लेट्स रीड द पैसेज वंस एंड देन वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स. Power foods are foods that provide rich level of nutrients like fiber, potassium and minerals. Power foods वो होते हैं जो potassium, fiber और minerals provide करते हैं हमें. With people becoming increasingly health conscious मतलब अपनी health के लिए बहुत ज़्यादा worried. A lot of fitness trainers encourage their clients to include these foods in their daily diet to increase muscle development. There are various ways of incorporating power foods in our daily diet. So there are many ways जिससे कि हम अपने daily life में, daily diet में हम अपने ये power foods add कर सकते हैं. Of course, the key to enjoying the power foods is proper preparation of these foods, the use of seasoned fresh foods and identifying your choice of flavor among the power foods. So इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो पावर फूड्स है जो हमें मिनरल पोटेशियम फाइबर्स देते हैं वो हम उसको इन्जॉय करें. और इसको हम इन्जॉय कैसे कर सकते हैं, जब वो हमारे फ्लेवर के होंगे, अपनी चॉइस के फ्लेवर के होंगे एंड जो सीजन फूड्स होंगे उसके लिए. ओके, सो द सेकेंड पैराग्राफ सेज Some of the recommended power foods combination are those that are prepared in our kitchen on a regular basis. So some ऐसे होते हैं जो हमारे regular basis में हमारे kitchen में prepare होते हैं. Take for instance, that means for example, the combination of chickpeas and onion. Chickpeas होते हैं चने जैसे जिसको बोलते हैं, और onions वो एक बहुत ही अच्छा combination है. The combination is a powerful source of iron which is required by the body to transport oxygen to its various parts. So iron is needed to carry the oxygen to the various parts of the body. Iron deficiency can lead to anemia. It is a disease जिस जो किससे होती है, जब हमारी आयरन की कमी हो जाती है. Fatigue, brain fog and tiredness. A study by the Journal of Agriculture and Food Chemistry says that sulfur compounds in onion and garlic help in absorption of iron and zinc from the chickpeas. The combination is a hit with teenagers who need to be diligent about getting iron in their diet. So ye combination jo hai chickpeas and onions ka wo sabse best hai, because ye help karti hai chickpeas mein iron aur zinc ko absorb karne mein, and ye teenagers mein bahut popular hai kyunki they want ki unke mein iron ki kami nahi ho. A quick way to prepare this power food is to make a chickpea salad with chopped onions, chaat masala and cilantro. Okay, so these are the ingredients to make that chickpeas salad. Okay, the third paragraph says, another favorite combination with power food taker is yogurt. Yogurt is dahi and bananas. This food makes for a perfect snack after a rough game of football. So ये सबसे perfect snack होता है, सबसे energetic snack होता है जब हम football खेल के आते हैं या फिर कोई और game खेल कर आते हैं. Exercising bumps glucose and thus lowers blood sugar. So जब exercise करते हैं तो वो glucose कम करते हैं, जिसकी वजह से जो sugar blood में होती है वो कम हो जाती है. सो योगर्ट इज पैक्ड विद प्रोटीन्स दैट हेल्प्स प्रिजर्व मसल मास एंड बनानास आर पैक्ड विद कार्बोहाइड्रेट्स दैट हेल्प इन रीफ्यूलिंग एनर्जी एंड प्रिवेंटिंग मसल सोरनेस. सो जो योगर्ट जो दही होता है उसमें प्रोटीन होता है, और जो बनानास होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिसकी वजह से वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और जो हमें एक्सरसाइज के बाद मसल का पेन होता है वो नहीं होता है. सोरनेस मीन्स पेन. A quick and easy recipe with bananas is a banana smoothie topped with cool yogurt. So सबसे easy recipe क्या है, हमने banana smoothie या banana shake बनाया और उसके ऊपर हमने yogurt डाल दिया. Among beverages, beverages means drinks, okay? Like green tea is a best source of catechins that are effective in halting oxidative damage to cells. So जो cells को damage होते हैं उसको help करता है कि वो ना हो. According to the research at the Purdue University, adding a dash of lemon
juice to green tea makes the catechins even more easily absorbable by the body. So जब हम green tea में lemon डाल देते हैं तो वो और ज़्यादा अच्छे से absorb करते हैं body में. So the next time you have, instead of our friends serve them rounds of iced green tea with mint and lemon juice. So जब हमारे friends आएंगे तो हम उनको यही recipe खिला सकते हैं. So main point, अगर हमें कोई भी इसमें कोई भी paragraph में कोई भी वर्ड नहीं समझ में आता है, सो यू हैव टू रीड द लाइन ट्वाइस एंड थ्राइस, और उस लाइन से रिलेटेड क्या उसका हो सकता है उसका मीनिंग, वो हेल्प करता है आपको पता लगाने में. ओके, मे बी हमें बिल्कुल एग्जैक्ट लिटरल मीनिंग ना मिले, बट हमें वैसा मीनिंग मिल सकता है कि इससे रिलेटेड हमें क्या हो सकता है अगर अकॉर्डिंग टू द लाइन. ओके, सो दिस इज़ अ ट्रिक कि जब भी कोई ऐसा वर्ड मीनिंग है, डिफ़िकल्ट वर्ड आए और हमें नहीं आता है, तो हम ऐसे उसको पता लगा सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन एंड आंसर्स. नाउ व्हाट आर द पावर फूड्स. ठीक है, तो सबसे पहली लाइन में, एज यू कैन सी इन द फर्स्ट पैराग्राफ, इट इज़ रिटन दैट पावर फूड्स आर फूड्स दैट प्रोवाइड रिच लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक फाइबर, पोटेशियम एंड मिनरल. सो दिस इज़ द डायरेक्ट आंसर, यू कैन जस्ट कॉपी डाउन. ओके, the other is, what are the rules regarding the partaking of power foods. So what are the rules? That we should prepare properly using some fresh seasoned foods, and by identifying that what is the choice of our flavors among the power foods. So you can write it by your own also. It is written, but it need not to copy paste the answer. You can write it in your own language as well. C is, what is the advantage of including onions and garlics in our diet. So ab isme to bahut hi difficult language mein likha hai, as you can see here it is written in a difficult language, like the sulfur compounds in onion and garlic helps in absorption of zinc and iron from the chickpeas. So you know not to write that sulfur compound and all these things. You can simply write in one or two lines that onion and garlic can help in the absorption of iron and zinc from the chickpeas. That's it. Now, why is yogurt and banana an enriching power food? So as I've told you, as we have read, that yogurt, that is dahi, is full of proteins and that helps to preserve our muscles, and bananas is full of carbohydrates that helps in refueling our energy and preventing the muscle soreness. So both are very important enriching power food which can be taken after doing exercise or after playing some sports. Okay, now G is, what is the advantage of combining green tea with lemon juice. So we just read that it increases the level of absorption in our body. So it absorbs easily when lemon is added to the green tea. So this you can write by your own. H is, what is the key to enjoying power food in a wholesome way. So now this is not written. Okay, you can just think of it, you can just analyze kiska answer kya ho sakta hai. So power foods can be enjoyed in a wholesome way by including it in our diet to increase our muscle development, to increase the nutrients in our body. So this you can write, it is written, but it is written in the indirect way, not in the direct way. So you just can analyze it and write it down by your own. So here I'm ending this video. I'll be giving you some worksheets. I want you to read, just practice more and more, as much as you can. You can practice, okay? This will improve your reading ability, understanding ability, as well as your vocabulary. Thank you.